गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर सुषमा, पीजीटी हिस्ट्री, जवाहर नवोदय विद्यालय मनकापुर गोंडा। एज यू ऑल नो दैट द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक, सो जस्ट टू ओवरकम द लॉस ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी आई हैव अपलोडेड फ्यू वीडियोज ऑन माई यूट्यूब। सो टाइम टू टाइम यू विल बी इंटीमेटेड, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न ऑल द लेसन्स, यू विल बी नॉट एट लॉस एट ऑल, because there is no time limit. The school will be opening in the month of May or June, so nothing is clearly known about that. So I am going to teach you first chapter of history today. You know, first chapter of history is bricks, beads and boards. Aapka jo channel hamara jitna bhi videos hum upload karenge, that will be bilingual, that will be in English as well as in Hindi. So both the students, means English medium and Hindi medium, they will be benefited by my videos. So first topic is ईट मनके और अस्थियां। आपकी एनसीईआरटी का इतिहास का जो पहला चैप्टर है वो ईट मनके और अस्थियां। इस चैप्टर में साथ में दिया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा शब्द जो आता है, हम लोग क्लासिक से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता क्या था आपका? हड़प्पा सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का एक सेंटर था। हड़प्पा वॉज द मेन सेंटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, इसको हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो हमारा मेन सेंटर था, उसकी ही खोज सबसे पहले हुई थी। अब कैसे खोज हुई थी भाई? कोई संस्कृति समाप्त हो गई, नष्ट हो गई, हमें कैसे पता चला कि संस्कृति वहां रही होगी, हम खुदाई करना शुरू करें और हमें मिल जाएगी? वहां पे क्या हुआ था? कुछ एक्सकेवेशन का काम चल रहा था। इसके पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है, इतिहास को जानने के हमारे सोर्सेस क्या क्या होते हैं, हम इतिहास को कैसे जानते हैं, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। इतिहास को जानने के लिए हमारे जो मेन सोर्सेज है वो हमारे तीन सोर्सेज सबसे पहले याद रखते हैं। एक आपका जो सोर्स है वो आपका क्या होता है? एक्सकेवेशन, यानी कि उत्खनन। उत्खनन आपका सबसे पहला जो सोर्स है। जब हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होते थे भाई, बाद में लिखने की कला का विकास हुआ, जब लिखने की कला का कोई विकास नहीं हुआ था, तब हमारे पास उत्खनन ही एकमात्र स्रोत था। जो कुछ भी हमें उत्खनन से प्राप्त हुआ, वॉट एवर वी गॉट थ्रू एक्सकेवेशन, वी आर फॉर्मिंग हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो एक आपका एक्सकेवेशन है। दूसरा आप देखते हैं कि इसमें रिटन हमारा जो लिटरेचर होता है, रिटन रिकॉर्ड्स। तो रिटन रिकॉर्ड्स जो है वो तो ठीक है, हमारे पास रिटन में है, हमने पढ़ा, उसको टैली किया, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया और हम एक कंक्लूजन तक पहुंच गए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। इंडस वैली की अगर हम बात करते हैं, हड़प्पन कल्चर की बात करते हैं, तो वहां भी यही बात है। हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में जो कुछ भी पता है, वॉट एवर वी नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज थ्रू एक्सकेवेशन। ना वॉट वर फाउंड, एक्सकेवेशन जब हुआ वहां से हमें बहुत भारी संख्या में मोहरे मिली, सीन्स का मतलब मोहरे मिली, बहुत भारी संख्या में हमें यहाँ से ईंटें प्राप्त हुई, ब्रिक्स मिली हमें यहाँ पे, यहाँ से हमें बोन्स मिले, यहाँ से हमें ऑर्नामेंट्स मिले। तो ये सारी जो चीजें थी, इसके पश्चात ही इतिहासकारों ने और साथ में आर्कियोलॉजिस्ट ने मिल करके इस सभ्यता के इस समय के इतिहास को गढ़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं इसका काम किसने शुरू किया। इस काम को शुरू करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? इस काम को शुरू करने का श्रेय जाता है जॉन मार्शल की अध्यक्षता में आरडी बेनर्जी, राखाल दास बेनर्जी और दयाराम साहनी। ये दो आपके, इन दोनों के सुपरविजन में हम कह सकते हैं एक्सकेवेशन का काम किया गया था। और जिसके पश्चात ही में पता चला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभ्यता, एक बहुत बड़ी संस्कृति दबी पड़ी थी, इसके बारे में हमें तब पता चला। ये काम कब शुरू किया गया था? लगभग 1921-22 के आसपास, मेरठ के आसपास। ये आपका आगे मेरठ क्या, बल्कि इस समय तो हड़प्पा के पास हमारा जो मेन सेंटर था। तो 1921-22 के आसपास इस खुदाई का काम शुरू हुआ था। वहां से क्या मिला हमें? भारी संख्या में सील्स मिली, ब्रिक्स मिली, बोन्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले। तभी से लोगों ने इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया। उसके साथ साथ और भी कई जगहों का जब उत्खनन कार्य शुरू हुआ,
तो क्या हुआ, देखा उससे मिलती जुलती चीजें वहां पर भी प्राप्त हुई थी। तो हमें जब एक सी चीजें कहीं मिल रही है तो हम क्या करते, सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसको जोड़ने का प्रयास किया गया और पता चला कि ये सारी चीजें एक ही सभ्यता से संबंधित थी। ऑल दीज सीज एंड वॉट एवर वर डिस्कवर्ड रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकेवेशन दे बिलोंग टू द सेम कल्चर, एक कल्चर को बिलोंग करने वाली थी। अब बात यह आती कल्चर कब की थी, इसकी शुरुआत कब की थी, कितने साल पुरानी थी, इसके बारे में भी अध्ययन किया जाना बहुत आवश्यक था। तो इसके बारे में पता लगाया गया रेडियो कार्बन डेटिंग से, कुछ प्राप्त चीजों से। तो ये अनुमान लगाया गया कि ये सभ्यता कब की थी, ये 2600 BC से 1900 BC ये सभ्यता इस समय की अनुमानित है। 2600 BC से 1900 BC के बीच के ये सभ्यता थी, ऐसा अनुमान लगाया गया। अब आप सोच रहे होंगे हमने उल्टा क्यों बोला, हमें बोलना क्या चाहिए था 1900 से 2600, डेट तो ऐसी चलती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है 2600 से 1900, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीसी की बात कर रहे हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ से पहले। तो क्राइस्ट के बर्थ के पहले को हम कहते हैं बीसी, हिंदी में हम इसको कहते हैं ईसा पूर्व। और इसके बाद के समय जो क्राइस्ट का जो बर्थ होता है उसके बाद के समय को हम क्या कहते हैं ईसवी। अब बाकी आगे के समय को हम क्या कहते हैं ईसवी कहते हैं। ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि बीसी क्या है और एडी क्या है। एडी मतलब एनो डोमिनो, इसको हम कभी कभी क्या कहते हैं सीईवी। जो नया हमारा ट्रेंड चल रहा है उसमें हम इसको क्या कहते हैं, एक तो आपका आता है बीसी, दूसरा आपका आता है एडी, और इसी को हम और क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बीसीई बिफोर क्रिश्चियन एरा। और दिस इज क्रिश्चियन एरा, ये बिफोर और आफ्टर कहां से डिसाइड हो गया, दिस इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म के पहले के समय को बिफोर क्रिश्चियन एरा या बिफोर क्राइस्ट हो गया, उसके बाद का आपका एडी। तो ये तो बात थी कि सभ्यता का विकास लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व हुआ था। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसमें आपका आता है, एक तो आपने क्या करा 2600 से 1900 के बीच में सभ्यता का विकास हुआ होगा, दूसरा आपने इसमें क्या करा कि इस सभ्यता का जो मेन सेंटर था वो क्या था, हड़प्पा। हड़प्पा वॉज द मेन सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। अब हम इस सभ्यता को कभी कभी क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसका सबसे पहला सेंटर था, इस सभ्यता का जो सबसे पहला केंद्र था वो हड़प्पा ही था। हड़प्पा में ही सबसे पहले खोज हुई थी, इसीलिए सेंटर को हम हड़प्पा के नाम से ही, हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पहला जो सेंटर था वो आपका हड़प्पा था। तो इसमें आप देखेंगे जो पहले हमने अभी आपको बताया कि 2600 से 1900 ये क्या था कि इसको हड़प्पन कल्चर इसीलिए कहते हैं बिकॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइट वॉज रिकवर्ड एट हड़प्पा। सबसे पहले जो केंद्र था वो हड़प्पा में ही खोजा गया था। 2600 से 1900 के बीच में संस्कृति का विस्तार रहा है और ये जो कुछ भी हमें इसके बारे में जानकारी है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सकेवेशन। हमारा एकमात्र जो आधार है वो एक्सकेवेशन है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा वो क्या लिख के गए, वो लिख के गए, ऐसा नहीं कि लिख के नहीं है, वो लिख के गए, क्योंकि उनको जो लिपि है वो कैसी है, डिस्क्रिप्टिव अल्फाबेटिक एज वेल एज पिक्टोग्राफिक, चित्रात्मक भी है, कुछ उसमें लिखे हुए सिलेबस भी लिखे हुए, लेकिन उसको तक पढ़ा नहीं जा सका। अब इससे बहुत सारी चीजें मिली हमें, बहुत सारे बर्तन मिले हैं, पीस ऑफ आर्ट मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, और पूरा पूरा टाउन जो था उसका लेआउट स्ट्रक्चर मिला, ऊपर का स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो गया, सभ्यता नष्ट, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय, लेकिन उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मिला हुआ है। हम देखते हैं कुछ सेंटर्स की बात करते हैं, ना केवल हड़प्पा, यहाँ पे और भी बहुत सारे सेंटर्स थे। अब उसमें से बहुत सारे सेंटर्स ऐसे भी हैं कि जो कि इंडिया के बाहर चले गए। आप देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुक्का गेंदोर, देन दिस दी सेंटर्स आर इन पाकिस्तान, दे आर नो मोर इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन, वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में हो गए। लेकिन आलमगीरपुर इज द ओनली सेंटर विच इज लोकेटेड इन यूपी नियर मेरठ। यूपी में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र केंद्र है जो कि आपका मेरठ के पास आलमगीरपुर में है। उसके सिवा कालीबंगा आपका है, लोथल है, धोलावीरा, रंगपुर, बनावली, राखीगढ़ी, मेनी मोर सेंटर्स आर देयर, बहुत सारे और भी हमारे पास सेंटर्स दिए हुए हैं।
इस सभ्यता का जो विस्तार था आप देखेंगे एक ट्राइंगुलर शेप में था, ये एक कैसे तो त्रिकोणीय त्रिभुजाकार क्षेत्र में था और मेनली ये कहाँ पे उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार कहाँ रहा, उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार रहा, साउथ में इसका दहमाबाद मेन सेंटर था, उसके बाद कहीं इसका विस्तार नजर नहीं आता। मेन आपका गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब में रोपड़ है आपका और मांडा आपका जम्मू में और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। तो ये मेन आपके सेंटर जो थे वो सारे इधर ही थे और सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहते थे क्योंकि सिंधु नदी के आसपास इर्द गिर्द ही सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। जिसकी शुरुआत थी उससे बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं कि इन लोगों का, अब चूंकि ये नदी सभ्यता थी तो इनका मेन काम क्या था, नदी घाटी सभ्यता जितनी भी होती है वहां के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होगा वो क्या होगा, चूंकि नदी के किनारे होने की वजह से इन्हें कृषि करना सुविधाजनक था, पानी की उपलब्धता थी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से इरिगेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी, सिंचाई की सुविधा रहेगी। तो इसका मेन जो यहाँ के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय यहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, एग्रीकल्चर, और क्या करते थे साथ में, पशुपालन, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और पशुपालन इनके मुख्य काम थे। साथ में ये क्या करते थे, मछली भी पकड़ते थे, ये सारी चीजों क्या करते थे, ये इनके लाइवलीहुड अर्न करने के तरीके थे, जीवन यापन करने के, जीवन निर्वाह की अगर हम बात करते हैं तो जीवन निर्वाह शैली में इनका यही काम था, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और मछलियों का भी खाने में ये प्रयोग करते थे। हमें कैसे पता ये पशुपालन करते थे, कैसे पता कृषि करते थे, या कैसे कह सकते हैं कि मछली खाने में इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साक्ष्य उपलब्ध है। साक्ष्य कहाँ से आए हमारे पास, एक्सकेवेशन के थ्रू आए, हमें मछली की बोन्स मिली है, बोन्स ऑफ फिश मिली है हमें पता है, हमें जो पशुओं का ये पालन करते थे, हर पशु नहीं, आपसे एक नंबर के प्रश्न पूछते हैं इनमें से कौन से पशुओं का पालन नहीं करते थे तो आप अपने मन से नहीं लिखेंगे, सारे पशु जो आज हैं वो समय नहीं होते थे, इसलिए मेनली किन किन पशुओं का पालन करते थे, शीप का, भेड़ का पालन करते थे, बकरी का पालन करते थे, बफेलो यानी कि भैंस का पालन करते थे, डियर को पालते थे, पिग को भी पालते थे, तो ये सारे जो पशु थे इन सब पशुओं का उस समय पालन भी किया जाता था, इनको पालने का काम भी करते थे। इनके साथ साथ और भी कुछ पशु थे, जैसे कि इनके साथ और किन पशुओं को ये पालन नहीं करते थे लेकिन जंगली की अगर हम बात करते हैं तो कुछ और पशु भी थे, जैसे कि आपका घड़ियाल, कुछ पशु ऐसे थे जैसे कि घड़ियाल है आपका, उसके भी हड्डियां पाई गई हैं, तभी हमको पता चलता है कि हाँ ये पशु भी उस समय रहे होंगे, तो घड़ियाल था उस समय और अन्य और भी पशु हैं। अगर हम अनाज की बात करते हैं तो अनाज हमें कैसे पता चलता है कि क्या क्या अनाज पैदा करते थे, क्योंकि उनके जले हुए दाने मिले हैं, अनाज के बीज मिले हैं हमें, अनाज कौन कौन से अनाज के बीज मिले हमें, गेहूं का मिला है और किसका मिला है हमें, जौ का मिला है, दालें मिली हैं, सफेद चना मिला है, चावल के भी हमें प्रमाण मिले हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं मिले हैं, तो गेहूं, चावल, चना, दाल, जौ, साथ में बाजरा का भी प्रमाण हमें मिला है कि ये सारी चीजें उस समय पाई जाती थी या उत्पादन किया जाता था। कृषि का भी विस्तार हुआ, अब जब पैदा कर रहा है खाने के लिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कृषि की व्यवस्था रही होगी, तकनीकी रही होगी, वो भी आपकी व्यवस्थित रही होगी, बिना पैदा करे तो चीजें उत्पन्न हो नहीं रही थी, तो ये कृषि का इनकी क्या टेक्नोलॉजी थी, जो कृषि की टेक्नोलॉजी थी उसके लिए कैसे पता चलता है कि एग्रीकल्चर होता था, अगर एग्रीकल्चर होता था तो कैसे होता था, भाई आज भी कृषि हो रही है, कृषि नहीं होगी तो खाएंगे क्या हम, उस समय भी कृषि होती थी लेकिन हमें पता कैसे चलता है कृषि होती थी, क्योंकि उस समय कृषि में बैल का इस्तेमाल किया जाता था, हल का इस्तेमाल किया जाता था, आज तो ट्रैक्टर आ गए उसके पहले क्या था, हल बैल की तो प्रयोग करते थे हम लोग, तो हल और बैल ये हमें मिले हैं, हल, हल कैसे मिले हैं, खिलौने के मिट्टी के, क्ले कार्ट, मिट्टी के हल के खिलौने का मतलब है हल का प्रयोग होता था, मिट्टी के खिलौना मिला है हल के रूप में, क्ले कार्ट जिसे हम कहते हैं। दूसरा हमें जो सील मिली है,
उस सील पे हमें वृषभ बना है, यानी कि बैल बना हुआ है, बुल। तो ये जो बुल बना हुआ है इसका मतलब है कि दिस बुल एंड दिस हल वॉज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। इस बुल का, इस हल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? इनका इस्तेमाल खेती करने के लिए किया जाता था। कालीबंगा से हमें एक आकार जो सेंटर है ये कालीबंगा राजस्थान में है, ये दैट इज इन राजस्थान। राजस्थान की कालीबंगा में आपके सेंटर में जो है मेन आपका क्या दिखाई पड़ता है, यहाँ पे जुते हुए खेतों के प्रमाण भी हमको मिले हैं। तो कृषि के लिए तकनीकी साथ में हमें बहुत कहीं कहीं पे वाटर रिजर्वॉयर भी मिला है, जहाँ पे आपका एक जगह धौलावीरा जो कि गुजरात में है यहाँ पे हमें जलाशय मिला है। अफगानिस्तान के शोरतुगई एक जगह है, वहां पे हमें क्या मिला है, उस शोरतुगई में भी हमें, अफगानिस्तान के शोरतुगई में भी एक कैनाल का प्रमाण मिला है हमें, यानी कि नहर का प्रमाण मिलता है हमें, जलाशय का प्रमाण मिलता है धौलावीरा से। इससे प्रतीत होता है कि कृषि व्यवस्था उस समय बहुत अच्छी रही होगी, तो पशुपालन किया जाता था, साथ में कृषि भी उत्तम स्थिति में थी, कृषि के लिए अच्छी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्ले कार्ट है, ये पिक्चर्स इसीलिए आपको दिखाई जा रही है क्योंकि अगर जिनके पास बुक्स नहीं है वो भी देखेंगे, आपके बुक्स में भी ये पिक्चर्स दी हुई हैं। ये एक बैल का चित्र बना, सील पे बना हुआ, मुहर पे बना है। हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे कि मुहरों का प्रयोग क्यों किया जाता था। अब आप यहाँ देख सकते हल के रूप में मिट्टी के हल बने, इसका मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देखेंगे सील्स, हड़प्पन कल्चर के समय जो सील्स थी उनका प्रयोग कैसे करते थे। सील से भी आपको बुल दिखाई पड़ रहा है, एक पाशुपति की सील है, तो इस तरीके से बहुत सारी सील्स भी मिली है। तो ये तो आपका हो गया एग्रीकल्चर के बारे में, जीवन निर्वाह के तरीकों के बारे में, सभ्यता की शुरुआत के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो एक वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर था, वॉज द मोस्ट वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर एंड वॉज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इसकी बहुत फेमस थी, इसका ड्रेनेज सिस्टम, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि टाउन प्लानिंग की क्या विशेषता थी, ड्रेनेज सिस्टम क्या था। तो इसको हम फटाफट एक शॉर्ट में करते आपको हम दिखाते भी हैं। ये आपका लेआउट ऑफ द टाउन प्लानिंग इज गिवन ओवर हियर, टाउन प्लानिंग का लेआउट यहाँ पे दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक वेल प्लान्ड टाउन था उस समय। इतना पहले भी ये वेल प्लान्ड था और यहाँ पर दो भागों में बटा हुआ था शहर भी। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत प्रॉपर था, जो टाउन था वो भी बहुत वेल सिस्टमेटाइज था और जो सड़कें और गलियां होती थी एक दूसरे को ग्रिड सिस्टम एक बहुत फेमस है। जब भी हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग की तो ये शब्द आपको भूलना नहीं है। एक इसमें होता है ग्रिड सिस्टम जो कि बहुत ही जरूरी है। क्या था ग्रिड सिस्टम? ग्रिड सिस्टम जो था टाउन प्लानिंग का वो आपका था कि जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण का मतलब 90 डिग्री पर कट करती थी और रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कैसे कैसे मूव करती थी सड़कें, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ मूव करती थी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जिससे कि वो ऑटोमेटिकली देवर क्लीन बाय द प्रिवेलिंग विंड, हवाओं के द्वारा वो अपने आप ही स्वच्छ हो जाती थी। ये ग्रिड सिस्टम इस नगर योजना की बहुत बड़ी विशेषता थी। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के समय में जो आपका टाउन प्लानिंग था उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी नगर नियोजन, सड़कों का गलियों का एक दूसरे से जुड़ा होना और एक दूसरे को समकोण पर काटना। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अगर तो ड्रेनेज सिस्टम क्या था, जल निकासी की व्यवस्था, ये सारा आपके क्वेश्चन में आता है। ड्रेनेज सिस्टम जो था तो ड्रेनेज सिस्टम आपका जल निकासी, अभी भी आप देखते हैं कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम्स आती, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है। उस समय वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, इतना पहले हजारों वर्ष पहले जो सभ्यता बनी तब वाटर लॉगिंग नहीं हो रहा था, पर आज वाटर लॉगिंग होता है। इसका मतलब वो सिस्टम कितना डेवलप रहा होगा। अब आप देखें कि जितने भी घर थे हर घर की एक जो वॉल होती थी उसको नाली से जोड़ा जाता था। ड्रेनेज सिस्टम में आप देखेंगे हर घर की वॉल को नाली से जोड़ा जाता था और उस नाली को यहाँ पे देखिए दिख रहा है, एक वॉल नाली से जोड़ती थी, फिर वो नाली आगे जाकर के एक बड़ी हौदी में गिरती थी, उसके बाद वो आगे बढ़ती थी, यानी कि जो गंदगी होती थी उस हौद में जाकर के इकट्ठा हो जाती थी और फिर पानी आगे बहकर निकल जाता था। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर था, हर घर की दीवार नाली से कनेक्टेड थी, कुछ कुछ दूरी पर और क्या करते थे वो मैन होल्स बनाते थे जिसमें कि घुस करके सफाई की जा सके। एट रेगुलर इंटरवल्स देयर वर मैन होल्स सो दैट देयर वर
क्लीन प्रॉपर्ली। और जो नालियां भी थी, नालियां जो आप देख रहे हैं ये पत्थर की एक चूने की पट्टिका से इसको ढक दिया जाता था। ये हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सोचा होगा इसको पट्टिका से ढक देते थे। ठीक, तो ये तो आपका हो गया टाउन प्लानिंग के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। फिर इसमें से एक और क्वेश्चन आता है, हाउस आर्किटेक्चर। जब आपसे गृह स्थापत्य पूछेंगे तो आप सिर्फ गृह स्थापत्य के बारे में देंगे, दिस इज हाउस आर्किटेक्चर, गृह स्थापत्य। जब आपसे नगर नियोजन पूछते हैं तो नगर नियोजन में आपका ये और ये भी आ जाएगा। लेकिन जब गृह स्थापत्य की बात करते हैं कि घर किस तरीके से बने होते थे, घर वैसे ही बने थे जैसे कि हमारे यहाँ आजकल के घर बने होते हैं। आजकल के घर आप गांव में देखते, घर कैसा होता है, बीच में एक आंगन होता है और चारों तरफ कमरे होते हैं, वैसे ही सेम घर बने थे कि बीच में एक आंगन था, चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। और अगर दो मंजिला घर होता था तो उसमें क्या किया जाता था, उसमें नीचे की जो मंजिल होती थी उस मंजिल में खिड़कियां नहीं होती थी, ऊपर की मंजिल में तो होती थी लेकिन नीचे की मंजिल में खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। शायद ऐसा इसलिए किया गया ताकि बाहर से अंदर का दृश्य दिखाई ना पड़े, या कह सकते इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्राइवेसी, निजता को बनाए रखने के लिए ही ऐसा किया जाता था कि जो गृह स्थापत्य था उसमें नीचे की जो फ्लोर होती थी उसपे आपकी खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। और क्या क्या विशेषताएं थी, अगर हम हाउस आर्किटेक्चर की बात करते हैं, गृह स्थापत्य की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कुछ और विशेषताएं थी। एक तो आपने क्या करा कि बीच में ही आपका आंगन हो गया, किनारे किनारे इसके कमरे हो गए। ठीक, और इसके साथ साथ इसकी विशेषता क्या थी, हर घर में एक स्नानागार होता था। ठीक, और वो क्या होता था, जो बाथरूम्स होते थे हर घर के वो पक्की ईंट के बने होते थे, उसकी जो फर्श होती थी वो ब्रिक्स की बनी होती थी हर घर में, नहीं तो कुछ घरों में हम कह सकते कुएं भी होते थे। वेज जनरली वेज वर ऑल्सो फाउंड, कहा जाता है कि लगभग उस समय इंडस वैली के समय में 700 कुएं पाए गए हैं। 700 कुएं एक बहुत बड़ी संख्या होती है, तो जल को प्राप्त करने का एक साधन क्या था, कुओं के द्वारा प्राप्त करते थे। तो कुएं कहाँ बनाए जाते थे, कुएं ऐसी जगह में बनाए जाते थे जहां से बाहर वाला व्यक्ति भी पानी प्राप्त कर सके, कुएं घर के अंदर नहीं बनाए जाते थे, कुएं घर के बाहर बनाए जाते थे कि ताकि अगर राहगीर भी अगर जल पीना चाहे तो वो प्राप्त कर सकता था। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रीट किस तरीके से बनी थी, किस तरीके से ग्रिड सिस्टम था, सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी, और लगभग हर घर में अपने बाथरूम्स होते थे, ड्रेनेज सिस्टम, हर घर की नाली को मेन रोड से मेन नालियों से जोड़ा जाता था, और कुएं ऐसी जगह बना जाते थे घर में जिससे कि आने जाने वाले लोग यानी कि राहगीर भी अपनी प्यास बुझा सके। ये था आपका गृह स्थापत्य। तो गृह स्थापत्य में आपने क्या देखा कि निजता को बनाए रखने के लिए खिड़कियां नीचे के फ्लोर पे नहीं बनाई जाती, आंगन बड़ा क्यों होता था, अभी भी क्या होता है, एक आंगन जरूर घर में देना पड़ता है, आंगन इसलिए बड़ा होता है ताकि उसमें कुछ कार्य अपने जो करने हैं महिलाओं को आंगन में बैठ करके किए जा सके, चाहे वो जाड़े के दिनों चाहे वो गर्मी के दिनों, तो आंगन बीच में बड़ा जरूर दिया जाता था। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं दुर्ग, कि दुर्ग क्या था। आपको शुरू में हमने बताया कि जो हमारा नगर नियोजन था दो भागों में बटा, पूरा जो शहर था वो दो भागों में बटा हुआ था, एक था दुर्ग दूसरा था निचला शहर। तो जो दुर्ग हमारा क्षेत्र था उस क्षेत्र में वो था तो छोटा लेकिन उसमें कम लोग रहते थे, एक आपका दुर्ग था, शहर को दो भागे बांट दिया हमने, एक दूसरा हमारा था निचला शहर। ठीक, अब क्या था, दोनों ही इस दुर्ग को भी क्या करते थे, चारों ओर से दीवार से घेर दिया गया था, फोर्टिफिकेशन कर दिया गया था, सुरक्षा के लिए कह दीजिए या कह लीजिए बाकी से अलग करने के लिए। सेम इन द केस ऑफ दिस ऑल्सो, जो आपका निचला शहर था इसको भी फोर्टिफाई कर दिया गया था, घेर दिया गया था, क्यों घेर दिया गया था, जिससे कि बाकी से ये अलग हो जाए। तो दुर्ग की दुर्ग छोटे थे, निचला शहर बड़ा था, इसकी आबादी कम थी, निचला शहर जो था इसकी आबादी ज्यादा होती थी। दुर्ग में कुछ खास हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, वो खास स्ट्रक्चर क्या है, आपने सुना होगा ग्रेट बाथ, महान जलाशय या स्नानागार। तो ये जो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ है ये बहुत ही प्रसिद्ध एक संरचना है। दूसरा इसमें मिलता है द ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेनरी का मतलब ग्रेन कलेक्ट करने के लिए स्टोर करने के लिए बनाई जाती थी। तो जो ग्रेनरी थी, ग्रेनरी का भी ऊपर का स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है, लेआउट खाली बचा हुआ है, जितने भी आपके बच्चे
सबके लेआउट ही बच्चे रह गए, ऊपर के स्ट्रक्चर्स वो लकड़ी का बना था, लकड़ी की चीजें बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन जो लेआउट था वो ब्रिक्स का था, पक्की ब्रिक्स का था। यहाँ की जो ब्रिक्स की खासियत क्या थी, ब्रिक्स का जो रेशियो था वो 4:2:1, ये यहाँ की जो ईंटें होती थी ब्रिक्स, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये जो होती थी ये इसकी लेंथ थी, ये इसकी ब्रेथ थी, ये इसकी हाइट थी। तो जो यहाँ की ईंटें होती थी उनका जो अनुपात था वो 4:2:1 हुआ करता था। तो इस तरीके से ग्रेट इसमें दो भागों में बट गया था, दुर्ग भी आपका एक दुर्ग था, एक निचला शहर था। ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार, और ग्रेनरी का मतलब है यहाँ पर ग्रेन को स्टोर करने के लिए, अनाज को एकत्र करने के लिए भी स्थान बनाया गया था। ग्रेट बाथ अगर हम कहते हैं तो कभी कभी लेते हैं ग्रेट क्यों कहा जाता था, किसी को ग्रेट कब कहते हैं, जब कुछ अच्छा करता है, कुछ बड़ा करता है, कुछ अलग करता है तभी वो ग्रेट होता है। तो ये भी बाकी बात से अलग था। कैसे अलग था, ये काफी इसका जो क्षेत्र था काफी बड़ा था, एरिया में बड़ा था। दूसरी चीज क्या था, इसके बीच में तो ग्रेट बाथ बना हुआ था और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और इसके किनारे तीन तरफ कमरे बने हुए थे। तो ये इतना बड़ा, ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि ये शायद अनुष्ठानिक पर्पज से, धार्मिक पर्पज से, मे बी फॉर सम रिलीजियस पर्पज दिस ग्रेट बाथ वॉज यूज। तो ग्रेट बाथ जो महान हमारा स्नानागार था उसका इस्तेमाल शायद धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता रहा होगा, ग्रीनरी को ग्रीन स्टोर करने के लिए किया जाता था। तो मोहनजोदड़ो का मेन आपका टाउन प्लानिंग, आपने नगर नियोजन के बारे में करा, किस तरीके से जल निकासी की व्यवस्था थी उसके बारे में करा, गृह स्थापत्य किस प्रकार था कि बाकी आंगन और किनारे किनारे कमरे बने होते थे, फिर दुर्ग और निचला शहर, दुर्ग अलग था जो छोटा एरिया था, निचला शहर बड़ा क्षेत्र था। दुर्ग में आपका महान स्नानागार और ग्रेनरी जैसे स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए थे। फिर ये तो आपका हो गया मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में। नेक्स्ट हम आते कैसे पता चलता है, हमें जो डिफरेंस, हमने कहा दुर्ग में कम लोग रहते थे, शायद कुछ अलग लोग रहते थे, कुछ महान लोग रहते थे या कुछ अमीर लोग रहते थे, निचले शहर में आम लोग रहते थे, आम और खास कह सकते हैं, कैसे पता चलता है, क्या उस समय सामाजिक भिन्नता थी या नहीं थी, तो इसका पता कैसे लगाते, इतिहासकार इस सोशल डिफरेंस था कि नहीं, द सोशल डिफरेंस वॉज एग्जिस्टिंग इन दैट टाइम और नॉट, ये कैसे पता चलता है, इनके जो बरियल सिस्टम था, जिस तरीके से इनको दफनाया जाता था, क्योंकि जब दफनाते थे ये लोग तो क्या करते थे, पहली बात तो शव को नॉर्थ एंड साउथ जनरली यही होता, उत्तर और दक्षिण में, सिर उत्तर में रखा जाता था और पैर दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। साथ में क्या करते थे, ये उनके इस्तेमाल के लिए कुछ चीजें जो होती थी, जो जैसे कुछ पात्र होते थे या कुछ ऑर्नामेंट्स होते थे, इन सब चीजों को भी रखा जाता था। हालांकि बहुत भारी संख्या में यानी नहीं प्राप्त होते, जैसे कि मिस्र में पढ़ते, पिरामिड में आपने पढ़ा है कि पिरामिड में बहुत सोने चांदी के आभूषण थे, बर्तन थे, तो उतनी बड़ी तादाद में तो नहीं मिले, पर मिले हैं। इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं, इसका मतलब वो जन्म के बाद, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ऐसा इसीलिए है। यहाँ तक कि एक दर्पण भी मिला है, एक तांबे का ब्रॉन्ज, उस समय ब्रॉन्ज ही क्योंकि था, आयरन से फेमिलियर नहीं थे, इसको हम ब्रॉन्ज कल्चर भी कहते हैं, कांस्य सभ्यता भी, क्योंकि लोहे से वो अनभिज्ञ थे, लोहे जैसी धातु से उनका कोई परिचय नहीं था। उनके जो हथियार थे, जो औजार थे, सब या तो पाषाण स्टोन के होते थे या तो वो ब्रॉन्ज के होते थे। तो जो सिस्टम था इनके दफनाने का शवों को, उसमें क्या करते थे, ये कुछ सामान भी साथ में रख देते थे। और सामाजिक भिन्नता का पता लगाने का एक हमारे पास तरीका और था, डिस्कवरी ऑफ लग्जरी आइटम्स, कुछ लग्जरी आइटम्स भी हमें मिले हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब एक्सकेवेशन हुआ तो एक स्केलेटन मिला, स्केलेटन से इन्होंने अनुमान लगाया कि क्या क्या सिस्टम रहा होगा, कुछ उसके पास सामान थे। अमीर आदमी का शव होता था तो उसके साथ महंगी चीजें मिलती थी, गरीब आदमी का शव होता था तो उसके साथ क्या करते थे, चक्की रख के दफना देते थे, मिट्टी के बर्तन रख के दफना देते थे, इस तरीके की वस्तुओं को रख के उसके साथ दफना दिया जाता था। तो अगर हम सोशल असमानता की बात करते तो एक चीज और है कि जो दुर्ग का क्षेत्र था वहां से हमें कीमती धातुएं प्राप्त हुई है, सोना भी प्राप्त हुआ है। दुर्ग के क्षेत्र से हमें महंगे बर्तन, पॉलिश, जनरली बर्तन कच्ची मिट्टी के होते थे, इनके पास पॉलिश्ड वेयर मिले, जो आर्दन पॉट्स मिले वो पॉलिश्ड मिले, चमकीले बने हुए हैं। खास करके फ्यांस का एक जिक्र आता है, फ्यांस एक महंगा पात्र था जिसका प्रयोग इत्र को रखने के लिए किया जाता था। तो ये हमें दुर्ग के क्षेत्र में मिला है, निचले शहर में इस तरीके की चीजें हमें नहीं मिली है। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि सामाजिक भिन्नता उस समय भी एग्जिस्ट करती थी।
तो जो कुछ भी हमने अभी किया एक बार हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्या क्या प्रश्न आए हैं। आप अपने पास ये प्रश्न नोट कर लेंगे, इसको अपने पास लिखेंगे जरूर, क्योंकि जितने भी प्रश्न हमने यहाँ आपको दिए हैं ये सारे किसी न किसी वर्ष बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपका है कि मोहनजोदड़ो के मेन फीचर्स क्या थे, क्या विशेषताएं थी, मोहनजोदड़ो की विशेषता पर प्रकाश डालिए। ठीक, दूसरा आपका क्या है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो किस तरीके से इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तीसरा आपका है मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन पर प्रकाश डालिए। ये सारे प्रश्न आप साथ के साथ लिखते जाएं ताकि इसका उत्तर भी आपको पता चले। यहाँ की जल निकासी की क्या व्यवस्था थी। फिर नेक्स्ट आपने करा है कि जो सामाजिक भिन्नता थी उसको पता लगाने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल, इसमें क्या लिखेंगे, शवादान विलासिता की वस्तुएं। आंसर जब भी लिखेंगे हेडिंग डालेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपका क्या क्या आर्टिकल्स मिले हैं, जो शवाधान किया गया था, शवों की जो खुदाई हुई उसमें से हमें क्या क्या आर्टिकल्स निकले हैं। जीवन निर्वाह के तरीकों ने किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीकों ने इतिहासकारों को एक नई दिशा प्रदान करी, क्योंकि जब जैसे जैसे हमें पता चलता गया वैसे वैसे हमारा सोचने का दायरा बढ़ता चला गया, तो कैसे एक नई दिशा प्रदान करी ये आपको लिखना है। फिर आपको जो मेन सेंटर्स थे उसको भारत के मैप में बनाना है। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उसमें आपको मैप वर्क के बारे में बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जो वन वर्ड क्वेश्चंस है उसके बारे में बताएंगे। तब तक जितना आपने पढ़ा है उसको जरूर आप देखेंगे और मेरे हर वीडियो को सब्सक्राइब, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए तो आप उसको देख सके। सो स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।